Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धोलाना पुलिस ने मुनादी कराकर गुंडा एक्ट के दो आरोपियों को 3 माह के लिए जिला बदर किए जाने का नोटिस चस्पा किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार दोपहर थाना धोलाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के गाँव धेरा निवासी शब्बू उर्फ इश्तकार पुत्र इंतजार में गाँव पिपलेड़ा निवासी कल्लू उर्फ शाहनवाज पुत्र अक्रम के घर पहुँचे और गाँव की गली मोहल्ले में मुनादी में लाउड स्पीकर से सूचना देने के बाद गुंडायक आरोपियों के घर पर 3 माह के लिए जिला बदर रहने का आदेश का नोटिस चस्पा किया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुशील कुमार यादव, उप निरीक्षक वरुण कुमार, UPSIDC चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार, गौरव सोहनवीर शर्मा आदि पुलिस टीम ने दोनों गाँव में पहुँचकर गाँव में मुनादी कराकर व ढोल बजाकर गुंडायक के आरोपियों के मकान पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया है। थाना धोलाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के गांव धेरा व गांव पिपलेड़ा निवासी दो आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने गांव धेरा व पिपलेड़ा पहुंचकर ढोल बजाकर कार्रवाई के लिए मुनादी कराई और धेरा निवासी शब्बू उर्फ इश्तकार व गांव पिपलेड़ा निवासी कलवा उर्फ शाहनवाज के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दोनों को 3 महीनों के लिए जिला बदर किया गया। थाना प्रभारी ने परिजनों को चेतावनी दी है कि जिला बदर की अवधि के दौरान अगर जिला बदर दोनों अभियुक्त जिले की सीमा में पाए जाते हैं तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। वह गुंडा एक्ट के दोनों आरोपियों को जिले के अंदर कोई भी पनाह देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। Audio Jungle.